सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड इट हेयर में। और आज हम बात करने वाले हैं ईवी कॉमेट के बारे में, और ये इसकी की होने वाली। इसके अंदर तीन वर्जन आपको मिल जाते हैं, प्लस, प्ले और एक वर्जन और है जिसका नाम है पेस। तो ये देख रहे हैं आप, मिड वेरिएंट है ये। और क्या कैसे रहने वाला है इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ब्लैक कलर में है, और जो जो चीज़ें हैं कुछ में इसका पोसिस्ट मतलब सेंटर लॉक आ जाता है, कुछ में नहीं आता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वाला ये वेरिएंट नहीं है, वो टॉप एंड में आपको दिखेगी। कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं जैसे कि टायर में तो नहीं है, बाकी चीज़ों में आपको अंदर से लुक एंड फील में थोड़ा बहुत लगेगा। तो फ्रंट में से आप देख सकते हैं, फ्रंट में आपको यहाँ पर MG कॉमेट की बहुत बड़ा बैजिंग, साथ ही साथ यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट भी इसके ही अंदर है। 360 कैमरे का यहाँ पर दिया तो है लेकिन इसमें अनेबल नहीं है, यानी कि लगा हुआ नहीं दे रही है कंपनी। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्रंट हाई बीम, लो बीम, और नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप्स। लेफ्ट की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पे 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं जो कि C8 के लगे हुए हैं। थोड़े से छोटे हैं, हो सकता था बड़े, लेकिन थोड़ा सा इस गाड़ी के हिसाब से थोड़े से छोटे हैं। गैप भी ठीक ठाक है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्रोम आपको दिख जाएगी थ्रू आउट फ्रंट, और यहाँ पर आपको DRLs मिल जाएंगी जो कि ORVMs में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट साइड में बात करें यहाँ पर क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, और इनका जो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो जो एरिया है ओपन होने का वो काफ़ी वाइड है, तो इन एंड आउट होने में आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको मिल जाती है, विंडो बहुत वाइड हैं तो अंदर से बैठने में भी कोई इशू इसमें नहीं है। और MG कॉमेट का यहाँ पर बहुत बड़ी बैजिंग मिल जाती है, इंटरनेट इनसाइड इसमें लिखा गया है। मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, ये लाइट आप देख सकते हैं। स्पेस आपको इसमें तब ही मिलेगा जब आप ये डाउन होगी, वरना आपको स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि इतना ही स्पेस मिलता है। एक बार मैं आपको अप करके दिखा देता हूँ, और ये इसका अप है, यानी कि आपको इतना स्पेस ही मिलेगा सामान रखने के लिए, छोटा मोटा बैग आप रख सकते हैं। और डोर काफ़ी हैवी हैं तो बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई निराशा यहाँ पर नहीं होने वाली। इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, ब्लैक कलर में है, बाकी ये 5 कलर्स में अवेलेबल है, और ये आप देख सकते हैं अभी। और टायर की मैं बात करूँ तो 12 इंचेस C8 टायर इसमें लगे हुए हैं, 140/70R12, और ये कुछ है ब्लैक कलर। और चलते हैं इंटीरियर की तरफ और बाकी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि अंदर से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बाकी गाड़ियों में हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक EV सेगमेंट की कार है। तो आज हम आ गए हैं MG कॉमेट के अंदर, और मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं इंटरनली कैसी है गाड़ी। बाहर से तो मैंने दे दिया है तो इंटरनली पूरा देने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करें तो MG के अंदर MG का बहुत बड़ा लोगो मिल जाता है एज ऑलवेज उनकी सारी गाड़ियों में, और एयरबैग मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न पैड है, लेफ्ट साइड में कुछ बटन्स हैं, ये अप एंड डाउन के बटन है, और यहाँ पर ये डेमो बटन है अभी, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल ये ऐसे रबर फिनिश है ताकि ईजिली यूज़ हो जाए। राइट साइड में बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल, आगे पीछे यानी ट्रैक को कंट्रोल करने के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, और यहाँ पर वॉल्यूम वॉइस कंट्रोल आपको मिल जाता है। बाकी कोई बटन्स नहीं है, ये दो बटन्स जो हैं ये डेमो बटन्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑन एंड ऑफ मिल जाता है, और हाई बीम लो बीम यहाँ पर से मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये ऐसे मिल जाता है क्योंकि MG है तो उल्टा होता है थोड़ा इसमें। और इंडिकेटर बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको, और लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर AC वेंट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है सामान रखने के लिए, बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर कुछ टायर जो हजार्ड्स के हैं, और इधर कंट्रोल किस चीज़ के हैं, ये हमारे ORVMs के कंट्रोल हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करें हजार्ड की तो हजार्ड लैंप जो है ऑन करने के यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। और ये LED लाइट्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको हम आपको चला के भी दिखाएंगे, सबसे पहले मैं अंदर का रिव्यू दे दूँ। AC जो है, हमने AC काफ़ी यूज़ किया है इसका, AC अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर AC के 3 बटन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है फ़ैन के बटन, यहाँ पर कंट्रोल के बटन है, एक स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके AC वेंट, इधर भी AC वेंट मिल जाता है, और थोड़ा सा कप होल्डर टाइप यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर कोई ग्लोव बॉक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप इसमें सामान रख सकते हो, और इसको पीछे करना है तो ऐसे मैनुअली कर सकते हो। बाकी इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं गियर नॉब, जिसमें ड्राइव मोड, न्यूट्रल मोड और रिवर्स मोड मिल जाता है, और चार्जिंग भी यहीं पर आपको दिखाएगा।
बाकी पूरा स्लीक है। यहाँ पर से आपको विंडो ओपन रोल डाउन के बटन, यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको इजीली, और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अंदर से बैठने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप एक छोटी इलेक्ट्रिक कार में बैठे, अंदर से एसयूवी वाली फील दे रही है, साथ ही साथ आपको एक फील और दे रही है कि आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसकी सीटें बहुत कुशनी और बहुत बढ़िया हैं। इधर की तरफ बात करूँ तो क्रोम पूरे हैंडल्स दिए गए हैं, स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और स्पेस यहाँ पर बहुत है, चाहे आप मैगजीन रखें चाहे वाटर बॉटल रखें, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इजीली, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फ्रंट से तो ऐसा है, यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है ARVM, और एयरबैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं इसमें, और ये दोनों साइड आपको मिरर मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड मिरर में लाइट नहीं है लेकिन मिरर मिल जाता है। ये लाइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी ये लाइट काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे से हैंडल्स मिल जाते हैं, और बहुत बढ़िया गाड़ी है, जो कि आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है लेकिन जो हेडरेस्ट है वो इंटीग्रेटेड है इसमें, तो कोई इशू इसमें नहीं है, बढ़िया आपको फील देगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल और साथ ही साथ एक रेस पैडल आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं है। यहाँ पर इजी टू ड्राइव है, पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पैडल दो बार दबाएंगे तो गाड़ी रेडी टू मूव है, और ये सब चीज़ें मतलब अब बहुत इजी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें दे दी है। अब मैं पीछे की तरफ दिखाता हूँ आपको, और पीछे चलते हैं कैसे इन करते हैं, कैसे क्या है वो सब चीज़ें दिखाता हूँ। इन करना होगा तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे हम इजीली अंदर जा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर क्लोज करता हूँ और आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे हिसाब से सेट है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, स्पेस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं आराम से बहुत स्पेस है। पीछे की जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी कुशनी हैं, चारों सीट बेल्ट इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मिरर काफ़ी वाइड है तो मिरर से पीछे से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, और हवा पूरी आएगी एसी की, एसी बहुत इसका अच्छा काम करता है, इफेक्टिव है, आगे से व्यू कुछ इस टाइप का मिल जाएगा आपको प्रॉपर, और जो कि आप MG में देख सकते हैं स्क्रीन तो काफ़ी आप लोगों को अच्छी मिलती है, स्पेस बहुत अच्छा है। बाकी अभी मैं बूट पहले भी दिखाया लेकिन बूट दोबारा दिखा दूंगा, बूट में क्या ऑप्शन है कि बूट का स्पेस थोड़ा सा कम है, जब आप ये सीट पूरी फोल्ड करेंगे तब आपको ऑप्शन मतलब स्पेस ज़्यादा मिलेगा। बाकी क्या सिस्टम है कि यहाँ पर ऐसा स्पेस आपको मिल जाता है, ठीक है, बढ़िया है, मुझे गाड़ी वर्थ इट लगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप कहें तो थोड़ा सा आपको महंगी लगेगी, लेकिन कहीं भी आपको कहीं भी लुक एंड फील में कोई कमी नहीं मिलेगी, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ पीछे की तरफ, आपको बूट दिखाता हूँ इसका। तो ये बूट है, ये आपको चार्जिंग मिल जाती है, और इसको डाउन कर सकते हैं आप ऐसे, और आपको बहुत सारा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। बाकी अगर आपको सीट चाहिए तो आप ऐसे इजीली इनको ओके कर सकते हैं, जब आपको बूट स्पेस की कोई कमी नहीं लग रही है।